नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। किडनैप हुई बच्ची को पुलिस ने ढूंढ निकाला। दो दिन पहले फुटपाथ से उठाकर ले गया था शख्स, सीसीटीवी में पकड़ाया। मुंबई में मंगलवार को 2 महीने की बच्ची का किडनैप कर लिया गया था। महज 2 दिन बाद ही मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बच्ची को ढूंढ निकाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में सेंट जेवियर स्कूल के पास एक महिला और उसका पति अपने 3 बच्चों के साथ फुटपाथ पर रहते हैं। मंगलवार रात को सभी लोग सो रहे थे, तब एक शख्स आया और बच्ची को वहां से उठा ले गया। बुधवार सुबह बच्ची की मां उठी तो उन्होंने देखा कि बच्ची वहां से गायब है। महिला ने बच्ची को आसपास ढूंढा लेकिन बच्ची का पता नहीं चला। स्थानीय लोगों से पूछताछ में भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर महिला पास के पुलिस थाने गई और बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस समेत आठ टीम जांच में जुट गई। जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए। इस दौरान पुलिस ने इलाके से सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाया। जब इसकी जांच की गई तो फुटेज में एक शख्स बच्ची को उठाकर ले जाता हुआ दिखा। इसके बाद पुलिस ने वडाला के एंटोप हिल इलाके से संदिग्ध का पीछा किया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी का पता लगाया और बच्ची को आरोपी के कब्जे से छुड़ाकर उसकी मां को सौंप दिया गया। हरियाणा सरकार का डॉग लवर्स को झटका, कुत्ता पालने का लाइसेंस लेना होगा, सिर्फ एक ही पाल सकेंगे, टहलाते वक्त मुखौटा पहनाना जरूरी। हरियाणा सरकार ने डॉग लवर्स को झटका दिया है। अब राज्य में लोग घर पर में ही एक ही कुत्ता पाल सकेंगे, इसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को घुमाने या बाहर ले जाने पर मुखौटा पहनाना होगा, जिससे वह किसी व्यक्ति को काट न सके। हरियाणा सरकार के फरमान के तहत लोगों को कुत्ता पालने के लिए सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी पंजीकरण कर लाइसेंस की प्रतिक्रिया पूरी करेंगे। सरकार की ओर से घर के बाहर कुत्तों को टहलाने के लिए भी एडवाइजरी का पालन करना जरूरी होगा। पंजाब को दहलाने की कोशिश, फिरोजपुर में 3 AK-47, 3 पिस्टल और 200 गोलियां बरामद। जीरो लाइन के पास पड़ा था बैग। पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की एक और कोशिश को नाकामयाब कर दिया है। BSF ने फिरोजपुर से हथियारों से भरा बैग बरामद किया, जिससे हथियार और गोला बारूद था। BSF ने बैग को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह बैग ड्रोन के माध्यम से यहां पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर सेक्टर में BSF की 136 बटालियन की तरफ से एक सर्च अभियान चलाया गया था। BSF को कुछ इनपुट मिले थे, जिसके बाद यह प्रयास शुरू किए गए। जीरो लाइन के बिल्कुल पास एक बड़ा बैग देखा गया। जब उसकी जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद भरा हुआ था। BSF जवानों ने तुरंत इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। बैग में से BSF के 3 AK-47 और 6 खाली मैगजीन, 5 MP, 5 मिनी AK-47 और 5 खाली मैगजीन, 3 पिस्टल व 6 खाली मैगजीन बरामद की गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।